सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा जो आपका 2020 में हुआ है, क्लास 8th का जैक बोर्ड का पेपर है आपका और सब्जेक्ट है साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस और आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, इसमें कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा सेकंड, कोशिका द्रव में। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स, ठीक है, तो इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा या साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं आप, वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद में 62 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, यानी सुचालक मतलब होता है कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो ग्रेफाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि जितनी भी बैटरीज जो आपकी बनती हैं वो ग्रेफाइट से बनती हैं। ठीक है दोस्तों, आपने सेल देखा होगा पुराने टाइम में, अभी के जो बैटरीज हैं वो तो आपके कॉपर बेस्ड और एल्युमिनियम बेस्ड आने लग गए हैं, लेकिन जस्ट आपके जो घड़ियों में, आपके दीवार घड़ियों में जो सेल डलते हैं, आपने उसको बचपन में तोड़ा भी होगा और किसी को तोड़ते देखा भी होगा, तो उसके बीच में से जो एक काले कलर का रॉड सा निकलता है उसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, या जो हम स्लेट यूज़ करते हैं बचपन में वो भी ग्रेफाइट से ही बना होता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो जस्ता एक ऐसा पदार्थ है यानी जिंक है जिसको आप पीट पीट करके पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन सीट, जिंक की सीट बहुत पतली बनाई जा सकती है, और सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो मटेरियल यानी लचीला पदार्थ होता है वो होता है सोना। 1 ग्राम सोना, यानी आप सोचिए, आप जो आपके घर में जो एक अंगूठी पहनी जाती है, कोई भी बड़ा आपका अंगूठी पहनता है तो 10 ग्राम की होती है, उसका केवल 1 ग्राम यानी 10वां हिस्से से 60 किलोमीटर लंबी रस्सी बनाई जा सकती है, 66 किलोमीटर के आसपास में, सोचिए कितना लचीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में किया जाता है, किसके उपयोग में ईस्ट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, हमेशा एल्कोहल के जो एल्कोहल बनता है वो ईस्ट का उपयोग करने के मतलब किया जाता है, तभी ये एल्कोहल बनता है। और इसके बाद आ जाइए, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, तो इसका आंसर सभी का, इनमें से सभी का होना चाहिए, वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, तो ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अब आ जाइए 66 क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब भी भागता है तो उसको विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब तक फॉलो नहीं होगा या जब तक नहीं बनेगी जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, और आप जब 10th में पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन आपको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन में। तो मलेरिया परजीव का वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए 68 नंबर क्वेश्चन पे, बल का अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो आपको बताना है ना वो बताना है, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बताना है, तो उसका होता है बल का न्यूटन होता है, न्यूटन हमेशा बल यानी कि अगर फोर्स जो है SI यूनिट जो होती है फोर्स की न्यूटन होती है, हमेशा याद रखेंगे आप, अभी से आपने पढ़ लिया तो ये हमेशा आपके काम आएगी। न्यूटन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जैसे kg को kg से करते हैं, ऐसे न्यूटन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, पूरा न्यूटन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निषेचन नहीं कहते हैं, रोपण नहीं कहते हैं, मूलकुलन नहीं कहते हैं, कायांतरण कहते हैं उसको, मेटाफोर्सिस कहते हैं। ठीक है, ए टैडपोल डेवलप्स इनटू ए एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, तो इसको मेटामोर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 70 नंबर क्वेश्चन पे, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है,
तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये प्रकाश का खेल भी बहुत विचित्र होता है। इसका आंसर तो आपका 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। श्वेत प्रकाश यानी सफ़ेद जो होता है, वाइट लाइट इज़ मेड अप हाउ मेनी कलर्स, जब सातों रंग मिलते हैं तो सफ़ेद कलर बनता है, और जब कोई भी कलर नहीं होता तो उसको कहते हैं हम कलरलेस, यानी कि वो आ जाता है ब्लैक। आप समझ गए, ब्लैक कलर एक ऐसा है यानी कि वहाँ पे कोई कलर ही नहीं है, इसीलिए वो ब्लैक है। नो कलर मीन्स ब्लैक और ऑल कलर मीन्स वाइट। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा खेतों में क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजन एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, यानी कि जुताई कहते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाइए 72 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सीरियस एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का नहीं है, आपको बचपन में ही पढ़ाया गया, फोर्थ फिफ्थ से आप पढ़ते आ रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ द सन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन। टूटता तारा को कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उल्काएँ कहते हैं या मेटियोरस कहते हैं, शूटिंग स्टार्स कॉल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 74 की बात करें, घर्षण को कम किया जा सकता है, यानी कि घर्षण मतलब जो रगड़ होती है ना, देखिए घर्षण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे आके अब जब आगे की क्लास में जाएंगे तो फ्रिक्शन पढ़ेंगे आप, तो फ्रिक्शन में क्या होता है, जब आप चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, विदाउट घर्षण पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे अगर आपने घर्षण यानी कि आपने रगड़ा नहीं, अपने अपने पैर को ज़मीन पे रगड़ते हैं तभी आप बढ़ते हैं, अगर आप रगड़ नहीं पाते तो आप फिसल जाते हैं। कभी देखा होगा आपने, पानी पड़ा हुआ है आपका पैर, अगर आप वहाँ पे चलते हैं अचानक से फिसल जाते हैं, जबकि क्या हो गया, उस आपका ज़मीन और बीच पैर के बीच में पानी आ गया, तो उसने क्या करा, घर्षण को रोकने का काम कर दिया, घर्षण नहीं हुआ आप फिसल गए। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई, तो वहाँ पे ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, पाउडर हो सकता है, पानी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद आ जाइए 75 नंबर पे। तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशे हैं? तो ऊन जो है यही एक प्राकृतिक रेशा है, नाइलॉन, रेयन और पॉलीथीन, ये तीनों के तीनों केमिकल कंपोजिशन से बनाए जाते हैं, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। इनके सूत्र भी बड़े बड़े होते हैं, इनका फॉर्मूला भी बड़ा बड़ा होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नेचुरल फाइबर, तो दैट इज़ वूल। यहाँ पे वुड लिखा है लेकिन ये वूल होना चाहिए, यह आपका जो पेपर मिस्टेक है। अब आ जाइए 76 नंबर क्वेश्चन पे। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, तो आपको पता ही है अनवांटेड साउंड क्या होती है, शोर मत मचाओ, शोर मत करो, तो शोर इज़ द राइट ऑप्शन, नॉइज़ इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद आ जाइए भूकंप मामले के किस करण का उपकरण का उपयोग होता है? भूकंप लेखी तो हिंदी में कहते हैं, और सीज़मोग्राफी इसको इंग्लिश में कहते हैं, या सीज़मोग्राफ भी बोल सकते हैं। ये सीज़मिक जोन जो है, सीज़मिक यानी भूकंप को नापने की एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर अर्थक्वेक? अब इसके बाद आ जाइए 78 नंबर क्वेश्चन पे। हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है हवा में मुख्य प्रदूषित गैस। विच गैस इज़ द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका CO2, ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, लेकिन केवल CO जो होता है वो ज़्यादा हानिकारक होता है। ये CO बनता कैसे है? तो CO अनकम्प्लीटेड कम्बंशन से बनता है, यानी कि जो चीज़ कुछ चीज़ जो पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं होती, जो चीज़ें पूरी तरह से जलती नहीं हैं, जैसे कि मान लो आपने आग जलाई और आग जलाने के बाद उसको बुझा दी और वो चीज़ें आधी में बुझा दी और उसका जो धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO। 79th क्वेश्चन की बात करें तो इसको देखते हैं, वन उन्मूलन का कारण क्या है? तो भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, इनमें सभी, तो ये आंसर सभी आएगा, यानी कि जो अपना डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की जो कटाई हो रही है ना, उसका रीज़न पूछा गया है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पेपर इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये सब कट रहे हैं, इन्हीं की वजह से बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। और पेपर इंडस्ट्री सबसे मेन कारण है, क्योंकि आप देखते हैं आप जो भी पढ़ रहे हैं और किताबें जो आप यूज़ करते हैं वो सारे के सारे पेपर से ही बनते हैं, तो वन से ही वो पेपर क्या है, वन से ही बनते हैं, यानी कि फॉरेस्ट से ही बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है?
तो कपड़ा ही एक ऐसा है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी तो तीनों चीज़ें प्राकृतिक हैं। जल भी प्राकृतिक है, जल आप नहीं बनाते हैं, जल बना हुआ है। हवा आप नहीं बनाते हैं, बना हुआ है। मिट्टी बने आप नहीं बनाते, बना हुआ है। आप बनाते क्या है? कपड़ा। तो कपड़ा आपका प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। सॉरी, क्लॉथ इज़ नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। कपड़ा आपका एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, कपड़ा। हिंदी में बोले, इंग्लिश में क्लॉथ। तो इसका आंसर यही होना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारे वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई लिंक नहीं मिलती, हमें कमेंट करिए, हम आपको सारे लिंक सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।